भारत के वैज्ञानिक कर रहे सबसे खतरनाक सीक्रेट मिशन। सफल रहा तो ब्रह्मांड की महाशक्ति बनेगा भारत। भारत को सुपर बनने से कोई रोक नहीं सकेगा। दोस्तों, दुनिया में लेजर हथियार का निर्माण तो कई देश कर रहे हैं, भारत में भी इसी तरीके के हथियार के निर्माण पर काम किया जा रहा है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको भारत के उस महा एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने वाले हैं जो भारत की नीलगिरी की पहाड़ियों पर शुरू हो चुका है। भारत दुनिया का वह पहला देश है जो इस तरीके के महा एक्सपेरिमेंट पर काम शुरू किया है। इस वीडियो में हम आपको कुछ अपनी तरफ से नहीं बताएंगे, जितना इसके बारे में रिवील किया गया है बस उतनी ही जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। अगर यह एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो भारत, चीन और पाकिस्तान को तो चुटकियों में मसल डालेगा और साथ ही भारत को दुनिया का सुपर पावर बनने से कोई रोक नहीं सकेगा। जब से इस एक्सपेरिमेंट के बारे में खबर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस को लगी है, तब से यह देश भारत के इस एक्सपेरिमेंट पर नजर गड़ाए बैठे हैं। चीन और पाकिस्तान की तो हवा टाइट हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करना तो दूर कभी सोच भी नहीं सकता। इस एक्सपेरिमेंट के सफल होते ही भारत के अंदर वह ताकत आ जाएगी कि रातों रात बड़ी आबादी वाले देश का भी सफाया कर सकेगा। दरअसल ये पूरा मामला नीलगिरी के पहाड़ियों का है। यहाँ पर एक लंबी सुरंग का निर्माण किया जा चुका है। इसी सुरंग में इसका महा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। सारी तैयारियां हो चुकी है, वैज्ञानिक भी यहाँ पहुंच चुके हैं। इन गुफाओं के इर्द गिर्द कोई आम आदमी ना पहुंच सके, इसके लिए कई किलोमीटर के अंदर कंटीले तारों के बेड़े भी बनाए हुए हैं। भारत जब भी अपने किसी हथियार का परीक्षण करता है तो चीन अपनी सैटेलाइटों के द्वारा उसकी जानकारी इकट्ठा कर लेता है। लेकिन इस बार भारत ने ऐसी तैयारी की है कि कई सौ मीटर अंदर ऐसी गुफा का निर्माण किया है कि जहां पर चीन कभी सपने में भी नहीं पहुंच सकेगा। यह मिशन भारत के लिए भी बहुत ही खतरनाक है। अगर इस मिशन में कोई चूक होती है तो रातों रात बड़ी तबाही मच सकती है, इसलिए इसे सुनसान इलाकों में किया जा रहा है। इसकी निगरानी में कई सैटेलाइटों को लगा दिया गया है। 2400 घंटे इस एरिया की ट्रैकिंग की जा रही है कि यहां पर किसी भी तरीके की कोई घुसपैठ नहीं की जा सके। वहीं लोकेशन के चारों तरफ स्पेशल फोर्सेज कमांडोज की तैनाती की गई है। दरअसल आपको बता दें कि इस एक्सपेरिमेंट में भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिकों को शामिल किया गया है और यह एक्सपेरिमेंट न्यूट्रिनो नाम के एक पार्टिकल पर किया जा रहा है। आज तक ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ जिनके तहत इन पार्टिकल्स को कलेक्ट किया जा सके। अगर भारत देश अपने इस प्रोजेक्ट पर सफल होता है तो भारत इकलौता देश होगा जो नया कीर्तिमान रचने वाला है। आपको बता दें कि न्यूट्रिनो का उपयोग करके न्यूट्रिनो बम का निर्माण किया जा सकेगा। इन न्यूट्रिनो को पकड़ना काफी मुश्किल होता है, इसके लिए भारत की ओर से दुनिया के सबसे बड़े चुंबक का उपयोग किया गया है। चुंबक का वजन 50,000 टन के आसपास है। इस चुंबक का उपयोग करके न्यूट्रिनो को एक सीधी रेखा में लाकर ऑर्गन एटम से टकराया जाएगा। अगर ऐसा करने में भारत के वैज्ञानिक सफल होते हैं तो एक नए पदार्थ का जन्म होने वाला है। न्यूट्रिनो और ऑर्गन एटम जब आपस में टकराएंगे तो इनके टकराने से एक चार्ज पार्टिकल बाहर आएगा, जिसके उपयोग से भारत विध्वंसक हथियार का निर्माण करेगा। यह हथियार इस तरीके से काम करेगा, आंख से तो नहीं दिखेगा लेकिन जब किसी दुश्मन के ऊपर वार किया जाएगा तो वो सेकेंडों में जलकर राख हो जाएगा। वहीं पार्टिकल से इतनी एनर्जी निकलेगी कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अभी तक दुनिया लेजर बीम के निर्माण में पागल थी, लेकिन भारत अब अलग ही राह पर निकल चुका है। अमेरिका के पास 60 किलोवाट जनरेट करने वाली लेजर बीम तो उपस्थित है, लेकिन वहीं भारत ने 100 किलोवाट एनर्जी जनरेट करने वाली एनर्जी सोर्स का निर्माण कर चुका है। वहीं यह जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, भारत अगर इसमें सफल हुआ तो दुनिया में भारत को सुपर पावर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में बताते हैं। भारत की ओर से कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने के बाद जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी फिलहाल पीओके का बना हुआ है, क्योंकि भारत के अंदर हर नागरिक का खून पीओके के लिए खोल रहा है। भारत की ताकत में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे पाकिस्तान में खलबली होना शुरू हो गई है। वहीं जिस दिन पीओके भारत में शामिल होगा, भारत दुनिया का बादशाह बन जाएगा। भारत के गृह मंत्री अमित शाह संसद में खुलकर कह चुके हैं कि अब आर्टिकल 370 को हटाने के बाद
पीओके को हासिल करना है। उस वक्त गृह मंत्री काफी अग्रेसिव दिख रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर पीओके के लिए जान भी देना पड़ेगा तो जान देंगे। पाकिस्तान तभी से खौफ में जी रहा है क्योंकि भारत की ओर से भी पाकिस्तान पर कार्रवाई की जाती है, वह अचानक करी जाती है। इधर जब से भारत अपनी सेनाओं में अग्निवीर के द्वारा एंट्री को लेकर नया फरमान जारी किया है, तब से पाकिस्तान भी डर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान को डर इस बात का है कि कहीं भारत अपनी सेना में चुपचाप तरीके से सेना की संख्या में इजाफा तो नहीं कर रहा है। उधर पाकिस्तान की हाल श्रीलंका की तरह हो चुके हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका एक ही लेवल पर आ चुके हैं। श्रीलंका को इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाने के लिए भारत ने अपनी जी जान लगा दी है, तो अब पाकिस्तान भी भारत से इसी का फायदा उठाना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि जिस तरीके से श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, उसी तरीके से पाकिस्तान भी है, इसलिए भारत को भी पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। पाकिस्तान को इस बात का पूरा भरोसा है कि अगर उसने अपना कटोरा भारत के सामने फैलाया तो भारत उसमें जरूर अपने सिक्के डालेगा। वहीं पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है, जिस पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर रखा है, वहां के पीएम सरदार तनवीर भरी सभा में रो रहे हैं। तो आखिरकार वो दिन आ रहा है जब पीओके भारत में शामिल होने वाला है, या यूं कहे कि पाकिस्तान अब पीओके से अपना कब्जा हटाना शुरू कर चुका है। तो इस बात पर कोई गुरेज नहीं होगा। यूनाइटेड नेशन के मंच से भारत की ओर से फाइनल अल्टीमेटम पाकिस्तान को दिया जा चुका है। वहीं बीते कल पाकिस्तान के पीओके में जो कुछ भी हुआ उसे यूनाइटेड नेशन के अधिकारियों ने देख लिया है। पाकिस्तान के कराची और लाहौर में इस वक्त केवल चर्चा है तो भारत की है। वहीं तनवीर के आंसू इस बात के लिए आ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की ओर से पीओके को दिया जाने वाला फंड पूरी तरीके से रोक दिया गया है। उधर जब से पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आए हैं, तब से पाकिस्तान भी कश्मीर का नाम लेना कम कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि एक ना एक दिन पीओके को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए अब पाकिस्तान की हालत खराब हो रहे हैं। देश को चलाने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल खाली हो चुका है, तो वह पीओके के नागरिकों के ऊपर अपने पैसे नहीं खर्च करना चाहता। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं बचे हैं और वह खुद कटोरा लेकर दूसरे देशों से मदद की अपील कर रहा है, तो कैसे वे पीओके के लिए फंड जारी करेगा। वहीं पाकिस्तान के नागरिक और पॉलिटिशियन इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि जब श्रीलंका की आर्थिक मदद भारत कर रहा है तो भारत से अपने संबंधों को फिर से बढ़ाया जाना चाहिए। पाकिस्तान को जितने फंड आईएमएफ से नहीं मिल पाते उससे ज्यादा फंड तो भारत श्रीलंका को दे चुका है। भारत ने श्रीलंका को अब तक 3.8 अरब डॉलर की मदद करी है, वहीं जबकि पाकिस्तान 1.9 अरब डॉलर की मदद आईएमएफ से मांग की थी। लेकिन इतने पैसों को देने में आईएमएफ ने पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए हैं। पाकिस्तान को चीन से भी ज्यादा उम्मीदें नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान भी अब समझ चुका है कि आज चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है तो उसकी वजह भी भारत है। भारत और चीन के अगर रिश्ते बेहतर हो गए तो चीन भी पाकिस्तान की मदद करना बंद कर देगा। इस वक्त पाकिस्तान को ना तो चीन से उधार पैसे मिल रहे हैं, ना ही सऊदी दे रहा है, ना ही विदेशी संस्थाएं। ऐसे में दोस्तों क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।